हरम, आज कैसा मौसम है? बुरा, इतना अच्छा मौसम है। नहीं छोड़े ये आज हरम के स्कूल के बाहर का वेदर मैं आपको दिखा रही हूँ। कैंट का वेदर ऐसा हो रहा है इस टाइम। अच्छा जी, हमारे यहाँ पे बल्ब लग गया है बड़ा वाला किचन में, और मैं बनाने लगी हूँ आलू के कटलेट्स, क्योंकि बच्चे ये कह रहे थे आज हम आलू के कटलेट्स खाने हैं हमने, तो मैंने आलू को बॉईल कर लिया हुआ है। अभी मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी, मैंने छोटे छोटे पीस कर लेंगे, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ खा लूँ। और वर्क एंड में तो फिर आज वही बात है, इंग्लैंड वाला मौसम है, बादल हैं इतने शदीद गहरे वाले, कल थोड़ी सी धूप थी, आज फिर वही हाल है। तो चले मैं पहले जो है इनको मैश कर लूँ अच्छे से, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाकी। ये देखिए मैंने आलू अच्छे से मैश कर लिए हैं, अभी इसमें मैंने मसाले वगैरह डाल दिए हैं सारे, लहसुन का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया हुआ है, अभी मैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर मैं इसके बाद इसकी जो है ना गोल गोल सी जो है ना कबाब की तरह जो होती है ना, और टिक्कियाँ सी बना लूँगी इसकी। देखिए नगर वो कटलेट्स जो मैंने बनाए थे वो मैंने फ्राई करने के लिए रख दी हैं, कटलेट की टिक्कियाँ मैंने बना के फिर उनको अंडे में डिप किया था। ये देखिए मैंने इस तरह अंडे को फेंट के रख लिया था, अभी इसमें डिप करके दोनों साइड से फिर मैंने ऑयल में जो है इनको अब मैं फ्राई कर रही हूँ। इससे पहले कश मैंने जो है क्लिप शूट किए, लेकिन वो गलती से बस शूट ही नहीं हो सके, वो ऐसे ही कैमरा चलता रहा। तो ये अब मैं फ्राई कर रही हूँ, एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी, तो फिर दूसरी साइड से भी ये ब्राउन कर लूँगी। तो चलिए जब तक मैं ये करती हूँ फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इनकी फाइनल लुक। ये देखिए मैंने इनकी साइड चेंज कर दी, एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए, और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इस टाइम जो खुशबू आ रही है इनकी, काश के कैमरे में ये भी कोई होता ऑप्शन के उस की खुशबू भी जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती, तो मैं आपको बताती, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और देखें कितनी खूबसूरत लुक भी है, और ये देखें ये कटलेट्स की मेरी फाइनल लुक है, और देखें कितने खूबसूरत बने हुए हैं, देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और अभी बनाने लगी हूँ मैं साथ में ही रोटी बच्चों के लिए, तो खाना खाते हैं, खाना खा के फिर उसके बाद जो कुछ भी होगा व्लॉग देखेंगे आप क्या करते हैं शूट। ये देखें बाहर कितनी ठंडी ठंडी हवा जा रही है, ये अभी दिन के 3 बजे का टाइम है, और देखें ऐसे लगता है जैसे शाम के 4-5 बजे। शदीद ठंड हो रही है, शदीद लगता ही नहीं कि पाकिस्तान में रहते हैं और वह कैंट में रहते हैं, जहाँ इतनी ठंड होती ही नहीं, और बहुत ठंड है। चलो जल्दी से पढ़ो, क्या कर रही हो तुम? चलो बस यही था आज का हमारा व्लॉग, और मेरी दरअसल हो चुकी है आई साइड, मेरी पहले से भी वीक है, मैं ग्लासेस लगाती हूँ आई साइड के लिए, लेकिन अब जो है ना शायद ये यूट्यूब के लिए एडिटिंग वगैरह जो करनी पड़ती है उसकी वजह से, या शायद किसी वजह से क्या चक्कर है कुछ समझ नहीं आती, आई साइड मेरी बहुत ज़्यादा जो है ना वीक हो रही है, तो मेरे सर में भी पेन होती है, आईज़ में भी पेन हो रही है। मैंने आई साइड चेक करवाने जाना है, मैं अपने हस्बैंड को 2-3 दिन से कह रही हूँ आप छुट्टी लो और मेरी आई साइड चेक करवाने के लिए जाओ, लेकिन वो छुट्टी नहीं ले रहे, कह रहे हैं अभी छुट्टी नहीं मिल रही, जब छुट्टी होगी तो फिर मैं आपको लेकर जाऊंगा, और देखें अब कब होती है और कब मैं जाती हूँ आई साइड चेक करवाने, और देखें कि डॉक्टर क्या फरमाते हैं। वैसे तो मुझे डॉक्टर पास जाते हुए डर ही लगता है कि पता नहीं कौन सी नई बीमारी का बता देंगे। आप सब भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि अल्लाह करे कोई मसला ना हो, मेरी आईज़ का पहले ही माशाल्लाह से कमज़ोर है आई साइड। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज अनस हरम।